तो इस वीडियो में हेनरी एडवर्ड बर्ड और इमैनुअल लास्कर के बीच में खेली गई एक जबरदस्त गेम देखेंगे। सिर्फ 12 मोव में हेनरी एडवर्ड बर्ड इमैनुअल लास्कर को चेकमेट कर देते हैं। तो ये गेम 1892 में इंग्लैंड में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ हेनरी एडवर्ड बर्ड है और ब्लैक पीसीस के साथ इमैनुअल लास्कर। तो हेनरी ने शुरुआत की e4 से और लास्कर ने रिप्लाई दिया e5। d4 e takes d4 c3 डेनिस गैम्बिट। तो इमैनुअल लास्कर ने इस दूसरे पॉन सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया d takes c3। तो यहाँ पर हेनरी ने इस पॉन को पहले कैप्चर ना करके अपने बिशप को c4 पर डेवलप किया। तो लास्कर ने इस तीसरे पॉन को भी कैप्चर किया c takes b2 bishop takes b2। और अभी आप देख सकते हो कि तीन पॉन के सेक्रीफाइस से यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट मिली है। तो डेनिस गैम्बिट में यहाँ पर क्वीन साइड के पॉन सेक्रीफाइस करके एक झड़पी ओपनिंग करने का फायदा मिलता है। तो इमैनुअल लास्कर ने कंटिन्यू किया क्वीन g5 से और इमैनुअल लास्कर का टारगेट यहाँ पर g2 पर है। तो यहाँ पर हेनरी चाहे तो अपनी क्वीन को f3 पर मूव कर सकते थे, लेकिन हेनरी ने पहले नाइट f3 मूव किया और इस पॉन को नहीं बचाया। तो लास्कर ने क्वीन टेक्स g2 मूव किया। और अभी आप देख सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। क्वीन को पहले डेवलप किया और क्वीन टेक्स g2 किया और यहाँ पर एक भी पीस अभी डेवलप नहीं है। तो पोजीशन बहुत ही वीक हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेनरी की डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट है और ये बिशप का टारगेट यहाँ पर किंग साइड पर ही है। तो हेनरी ने पहले अपने रुक को बचाकर g1 पर मूव किया। तो अभी क्वीन के पास जाने के लिए तो सिर्फ एक ही मूव है, क्योंकि ये h2 पॉन नाइट से सपोर्टेड है। तो फोर्सफुली क्वीन को h3 पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन लास्कर ने पहले बिशप b4 चेक दिया, किंग e2, और अभी तो क्वीन को बचाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी कोई चेक नहीं आ रहा है। तो लास्कर ने अपनी क्वीन को h3 पर मूव किया। अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि हेनरी एडवर्ड बर्ड ने क्या मूव किया होगा। जबरदस्त मूव है। तो हेनरी ने बिशप टेक्स f7 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। जबरदस्त सेक्रीफाइस है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर किंग टेक्स बिशप करने के बाद नाइट g5 चेक, और आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्क के साथ लास्कर की क्वीन जा रही है। तो किंग मूव जैसे ही होता है तो नाइट टेक्स क्वीन आ जाता और लास्कर को फिर रिजाइन करना ही पड़ता। तो इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ब्लैक अपने किंग को f8 पर मूव करता है तो बिशप टेक्स g7 चेक और फॉर्क के साथ ये रुक चला जाता। तो बिशप f7 चेक बहुत ही बेहतरीन मूव है। और इस मूव के बाद इमैनुअल लास्कर ने अपने किंग को d8 पर मूव किया। तो हेनरी ने कंटिन्यू किया बिशप टेक्स f7 करके, और अभी इमैनुअल लास्कर इस रुक को नहीं बचा पाएंगे। तो लास्कर ने कंटिन्यू किया नाइट d7 करके। और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि हेनरी ने क्या मूव किया होगा। तो हेनरी ने नाइट g5 मूव किया, और अभी आप देख सकते होंगे कि ये नाइट से क्वीन पर प्रेशर है और ये स्क्वायर्स h फाइल के बिशप से कवर है। और बाकी तो पूरी लाइन आप देख ही सकते होंगे कि कहीं पर भी जाने के लिए क्वीन के पास मूव है ही नहीं, क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है और ये g4 स्क्वायर भी कवर है। f5 स्क्वायर यहाँ पर पॉन से कवर है और ये बिशप से कवर है और साथ में नाइट से भी कवर है। तो क्वीन के पास जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, एक तो क्वीन टेक्स h2 और क्वीन h4। तो ब्लैक ने यहाँ पर अपनी क्वीन को h4 पर मूव किया, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि साथ में यहाँ पर चेकमेट की भी थ्रेट थी। वो आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप देख सकते होंगे कि किंग यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ब्लैक अपनी क्वीन को बचाने जाता है और ब्लैक को झटका लगता है। तो आप देख सकते होंगे कि नाइट e6 चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि ये d7 पॉन क्वीन की वजह से पिन है। तो
तो डबल थ्रेट थी, साथ में क्वीन को भी बचाना था और एक तरफ चेकमेट भी आ रहा था। तो क्वीन h4 मूव के बाद हेनरी ने नाइट e6 मूव किया और चेकमेट। आप देख सकते होंगे कि किंग फंसा हुआ है पर ये पॉन क्वीन से कवर है, तो क्या जबरदस्त चेकमेट है। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।